नमस्कार, मैं इस्लामुद्दीन खान, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। कुदरत का कहर जब आता है तो सब कुछ तबाह कर देता है। कुछ ऐसा ही हुआ है इंडोनेशिया में। 30 सितंबर को इंडोनेशिया में सुलावेसी द्वीप में आए ताकतवर भूकंप और इसके बाद सुनामी ने जो कहर बरपाया है, कई जिंदगियां तबाह कर दी हैं। भूकंप और सुनामी में मरने वालों की तादाद 420 हो गई है। सरकारी अधिकारियों के अनुसार मरने वालों की संख्या और भी बढ़ सकती है। 7.5 की तीव्रता से आए इस भूकंप के बाद 6 मीटर की लहरों के साथ सुनामी आने से सब कुछ तबाह हो गया है। मलबों का अंबार लगा हुआ है। सबसे ज्यादा तबाही पालू शहर में हुआ है। अभी भी राहत बचाव कार्य जारी है। इस आपदा में लोग भी मदद करने वाले अधिकारियों के मलबों में दबे हुए शवों को ढूंढने में मदद कर रहे हैं। तो देश और दुनिया के तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।